पॉइंट दो दो, 11 पॉइंट दो का समय सवाल चल रहा था, पांचवा हो गया था कि चल रहा था, पांचवा हो गया था ना सर। बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11.2 का, 11.2 प्रश्नावली, 11.2 का सवाल नंबर पांचवा हम कर चुके थे। किसी संख्या का 5 गुना उसके दुगुने से 48 अधिक है, इस कंडीशन के अनुसार किसी संख्या का 5 गुना का मतलब होता है, माना कि संख्या एक्स है तो एक्स का 5 गुना क्या होता है, 5x क्या होता है, ये हम सवाल कर चुके थे। हाँ है ना। हाँ सर। ओके अगला सवाल नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है छठा। 45 कोई संख्या जो दी गई है इसके दो भाग इस प्रकार बांटिए, एक भाग दूसरे भाग का 3 गुना से 7 गुना है। हमें इसकी लैंग्वेज जो दी गई है, इबारत जो दी गई है उसको समझना है और उसको पढ़ना है। हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 11.2 का, इस प्रकार है 45 को ऐसे दो भागों बांटती है, 45 को दो भागों में बांटना है, इसे दो भागों में बांटना है, इसे दो भागों में बांटना है। सवाल ध्यान से सुनिएगा, 45 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 7 कम हो, सबको को समझना। इस प्रकार बांटना है दो भागों में, ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग दूसरे भाग के दुगुने से, एक भाग दूसरे भाग के दुगुने से, तो 3 गुने से दूसरे भाग के 3 गुने से, 3 गुने से 7 कम है, 3 गुने से 7 कम है। अब शब्द समझने की कोशिश करना, सवाल की सवाल क्या है, 45 को दो टुकड़ों में विभाजित करना है, 45 के दो टुकड़े किस भाग के रूप में विभाजित होंगे, ये हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर हम दो भाग करेंगे तो एक भाग जो होगा वो एक भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 7 कम होगा, एक बार का मान दूसरे बार के 3 गुने से कितना कम है, कितना कम है भाई, 7 कम है। तो हमें कुल कितने बार करने है? कितने बार करने है? दो, कितने करने है? दो तो माना कि एक बार एक्स, दूसरा बार क्या होगा बताओ, बता सकता है, माना कि देखिए आप भाग किससे कर रहे हो, किसके दो भाग कर रहे हो, पैतालीस मान लो मेरे पास 45 रुपए है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको समझ गए तो आप मेरा आंसर दे पाओगे, मुझे आंसर दे पाओगे। 45 के दो भाग करने हैं, मान लो एक जना 45 के अंदर 20 रुपए देता है, दूसरे का भाग कितना होगा, 45 के दो भाग में एक भाग में 20 है, दूसरा भाग कितना होगा, 25 छोड़ कर पढ़ो, 25 वेरी गुड 25 सही जवाब। अच्छा जिसने भी 25 बोला तो देखिए हाँ नाम दर्ज है ना, किसने बोला 25, जिसने बोला हाँ ना गलत हो गई, सही 25 जवाब है, जिसने बोला वो सही जवाब है, 25
पच्चीस से बोलो अपना हाय नाम जाओ तो मैंने बोला हाँ सर अरे मैसेज दे दो मैसेज दे दो उसको ना ओके थैंक यू अब अपन चलते हैं जिसने भी ये जवाब दिया वो मेरी बात ध्यान से सुनिए मैं आपको इस उदाहरण के माध्यम से सवाल कैसे होगा ये सिखा रहा हूँ उसको जल्दी समझ में आएगा तैतालीस में से एक भाग उन्नीस है दूसरा पच्चीस है ये पच्चीस कैसे आया मेरा सवाल है पच्चीस में दूसरा भाग आया वो कैसे आया आपने कैसे क्या किया जवाब दीजिए ये पैतालीस के दो भाग में से एक भाग बीस है दूसरा पच्चीस कैसे लाया तो पैतालीस में से बीस निकाल दिया पच्चीस बचे अरे बोल जा पास ये जिसने भी बोला वो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान रखना अगर उसने इस बात को समझ लिया डेफिनेटली समझ लिया कि पैतालीस में से पच्चीस बीस घटाने पर पच्चीस हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें दूसरा भाग प्राप्त होता है ये बात जिस भी बच्चे ने इस तरह से कही है बिल्कुल सही कही है अगर उसका सवाल का जवाब देने का तरीका सही है तो मेरी बात को गौर से सुन लें हमें संख्या का भाग अभी पता नहीं है एक भाग कितना है दूसरा भाग कितना है हमें पता नहीं है लेकिन मैं उसी के जुबान से सुनूंगा उसी के आंसर को सुनूंगा पैतालीस के दो भाग किए जाए उसमें से एक भाग भी हमें पता नहीं है दूसरा भाग कैसे निकालेंगे वो बताएगा देखिए माना कि पैतालीस संख्या का एक बार एक्स है एक्स हो एक बार एक्स हो तो बताओ तुरंत कि दूसरा भाग क्या होगा जिसने मुझे जवाब दिया था वो सोचे पहले था पैतालीस में एक बार बीस था तो दूसरा भाग क्या था उसने बताया था पच्चीस कैसे आया था यहाँ पर एक बार एक्स है दूसरा बार कितना होगा फिर बता सकता है एक बार एक्स है तो दूसरा बार कितना होगा दूसरा बार कैसे आएगा कोई बता सकता है हाँ नाम जल्दी जाओ तो कोई बता सकता है मैंने पूछा कोई बता सकता है क्या आया ना अरे आया नाम जाते तो नहीं बता सकते तो ना बोलो ना ओके अभी आपने ना कहा सही मेरी बात ध्यान सुनोगे तो अभी हाथ रोगे यहाँ पर एक सी के अंदर बीस होता तो दूसरा बार कितना होता पच्चीस देखो वो कैसे आता है पैतालीस में से बीस को माइनस कर तो उसको मैं इसे लिखता हूँ इसे लिखता हूँ इसे लिखता हूँ पैतालीस माइनस बीस लिखता हूँ ना है ना तो अगर यहाँ पर एक्स है तो दूसरा भाग क्या होगा एक भाग एक्स है दूसरा भाग क्या होगा पच्चीस नहीं वो तो बीस में था अभी मान लिया एक भाग एक्स है एक्स दूसरा भाग क्या होगा क्या होगा देखिए ये क्या है ये कितना है बोलो पैतालीस एक बार में एक से तो दूसरा कितना होगा पैतालीस में से एक जाएगा ना है ना
एक बात एक से दूसरा बात कितना हुआ देखो यहाँ पर एक्सचेंज कर बीस दिखता है ना बीस तो यहाँ पर देखता है पैंतालीस मतलब बीस है ना हाँ अभी यहाँ पर मान एक से एक बार एक से दूसरा बार पैंतालीस मतलब एक घटाओ तो क्या है ना हाँ दूसरा बार क्या हुआ पैंतालीस मतलब एक्स दूसरा बार क्या हुआ पैंतालीस मतलब पहला भाग एक से दूसरा भाग हुआ दूसरा भाग बराबर पैंतालीस माइनस एक्स दूसरा भाग बदल जाएगा अब प्रश्न अनुसार क्या कहा गया प्रश्न अनुसार एक बार दूसरे भाग के एक बार कौन एक बार दूसरे भाग का तिगुना दूसरा भाग कौन है दूसरा भाग कौन है पैतालीस माइनस पैतालीस दूसरा भाग कौन है पैतालीस माइनस एक तो देखो एक बार दूसरे भाग का कितना गुना तीन तो तीन गुना एक बार दूसरे भाग के तीन गुने से कितना कम है सात तो माइनस सात कितने हैं समझ आया क्या हाँ एक बार दूसरे भाग के तीन गुने से सात कम है तो ये एक बार किसके ऊपर डिपेंड है एक बार दूसरे भाग के तीन गुने से सात बनाएंगे तो एक बार आएगा समझ आया क्या
समझा लिया सभी ने? हाँ सर। पढ़ लिया क्या? ओके। सब आया? सब आया क्या? ओके। चलिए अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा। अगला सवाल है, आवाज आ रही बच्चों? हाँ सर। रामू की आयु सुजन की आयु से 3 गुनी है। 4 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का योग 40 वर्ष हो जाए, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये सवाल ध्यान से सुनिएगा। हमने अभी तक जो पहला सवाल किया उसमें संख्या क्या निकली? एक सवाल और क्या निकला? 32। तो ये एक क्या था? पहला भाग। पहला भाग क्या आया था? एक भाग क्या आया था? 32। दूसरा भाग क्या हुआ? दूसरा भाग क्या हुआ? 45 माइनस x। 45 से 32 से कितना है? 13 है। दूसरा भाग क्या है? रामू की आयु सुजल की आयु से 3 गुनी है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 40 वर्ष हो जाएगा, तो दोनों का वर्तमान आयु क्या करना है? सवाल ध्यान सुनिएगा। रामू की आयु और सुजल की आयु से 3 गुनी है। रामू की आयु जो है वो सुजल की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी। अच्छा, किसकी आयु 3 गुनी है? सुजल की आयु से किसकी आयु 3 गुनी है? रामू की। किसकी आयु 3 गुनी है? रामू की। रामू की, इसका मतलब हमें रामू की आयु का जो अर्थ है किसके ऊपर डिपेंड है? सुजल की आयु। इसमें सुजल की आयु माना कि x नहीं, सुजल की आयु माना वर्तमान आयु x है। सुजल की आयु क्या माना? अरे सुजल की आयु क्या मानी? x। क्या मानी बेटा? x x। तो बताओ रानू की आयु कितनी होगी? 3 गुनी। रानू की आयु कितनी होगी? 3 गुनी। किसकी आयु होगी 3 गुनी? सुजल की आयु की। सुजल की आयु क्या मानी अपन ने? x। माना कि सुजल की आयु, सवाल ऐड भी कर रहा हूं मैं, माना कि सुजल की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना कि सुजल की वर्तमान आयु x है, तो रामू की आयु कितनी होगी? रामू की वर्तमान आयु अब 4 वर्ष पश्चात, तो 4 वर्ष बाद सुजन की आयु कितनी होगी? 4 वर्ष बाद सुजन की आयु क्या होगी? सुजन की आयु अभी कितनी है? वर्तमान में सुजन की आयु कितनी है?
तो 4 साल बाद कितनी होगी? कितनी होगी? 4 साल बाद। कितने साल बाद? 4 साल बाद। तो अभी अगर मैं एक्स की ऊपर की रखूं तो एक्स प्लस 4 हो जाएगी ना, मुझे 4 साल हो गए ना, कि बर्डन है 4 वर्ष बाद ना, तो क्या क्या हुई 3x+4 पड़ेगी। मुझे बताओ अभी मान लो सपोज आप 10 साल के हो या 12 साल के हो, अभी अगर आप 12 साल के हो तो 4 साल बाद कितने साल के होंगे? अभी 12 साल के हो तो 4 साल बाद जितने जो होंगे क्या करेंगे? 16। हाँ क्या करेंगे? 16 कैसा है? हम 4 साल बाद की बात कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, क्या करेंगे? प्लस। वर्तमान की आयु में 4 साल के बाद की आयु को प्लस करेंगे तो 12+4 आप 16 वर्ष के हो जाओगे। तो यहाँ पर सवाल इसी तरह से है, सूजन की वर्तमान आयु एक्स, राहुल की वर्तमान आयु 3 गुनी है 3x, तो 4 वर्ष बाद सूजन की आयु x+4 और 4 वर्ष बाद राहुल की आयु 3x+4 होगी। समझ में आया क्या? सूजन की आयु अभी कितनी है x, 4 साल बाद कितनी होगी x+4 और राहु की आयु अभी 3x है, 3 गुनी है, तो राहु की आयु 3x है, 4 साल बाद कितनी होगी 3x+4 होगी ना। अब उतर आए इन दोनों आयु का योग 40 है तो आपका समीकरण बनेगा जो मैं उतारता हूँ फिर आप हल कर लेना। समीकरण बनेगा इस प्रकार, 4 वर्ष बाद की आयु का योग 40 है, 4 वर्ष बाद की आयु दोनों की क्या है? एक की तो है x+4 और दूसरे की है 3x+4 और इन दोनों का योग कितना है? तो कितना है? चलिए